नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राघव और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आपका पोला पत्थर गांव है। ये काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गांव का लोकेशन जरूर बताया गई है, तो ये पोला पत्थर का लोकेशन है दोस्तों। चैनेज है 89 और 89500 के आसपास मैं अभी BC का लेइंग कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि रोलर और PTR में फ़र्क क्या होता है ये बताइए थोड़ा मैं डिटेल में। तो बस आज मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी BC का कैसे लेइंग किया था तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। तो आज का एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, रोलर में और PTR में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों ये हैं जो खड़े हैं, इनको बोलते हैं रोलर और ये डबल ड्रम रोलर होते हैं और इनका वेट लगभग 9.4 टन के आसपास होता है। और ये हैम रिडजन ग्रुप का है, हैम कंपनी का, और इनका मॉडल है HD99। और इनको डबल ड्रम रोलर और या टेंडम रोलर इन्हीं को बोलते हैं। जब जनरली आपका DBM हुआ, BC हुआ, OGPC हुआ, जो भी सील मतलब बिटुमिन से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेंगी उस पर यही रोलर चलता है, तो और यही रोलर हम यूज़ करते हैं। और ये आपकी जब आप DLC कर रहे हैं तो DLC पे भी यही रोलर चलते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। भाई ये रोलर होते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आना चाहिए। क्योंकि तो कुछ है ना, अगर आप डामर वामर का काम करने जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रोलर का जो आपका ड्रम का डायमीटर क्या होता है, उसका चौड़ाई कितना होता है। ये बेसिक क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अगर आप डामर वाला किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल पेमेंट के किसी प्रोजेक्ट में जा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये रोलर होता है ना जो, तो उसका जैसे हम लोग ये वाला जो यूज़ कर रहे हैं आपका HD99 हैम का, तो इसका मैं जो बता रहा हूँ, इसका जो डायमीटर रहता है दोस्तों इसका रोलर का, वो 1.2 मीटर रहता है, 1200 mm का इसका डायमीटर रहता है दोस्तों। और इसकी दोस्तों लंबाई दोस्तों 4.6 मीटर है दोस्तों इसकी लंबाई, और जो इसका मैक्सिमम जो वर्किंग विड्थ रहती है वो तो 1780 mm है। बाकी जो इसका ड्रम का साइज है ना, चौड़ाई, ड्रम की चौड़ाई विड्थ, वो है 1680 mm है, 1.68 mm है इसकी, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। और ये रोलर होते हैं ना दोस्तों, इनमें दोनों तरफ है ना, दोनों ड्रमों के ऊपर सेपरेट पानी की टंकी दी जाती है, लगभग वो 400 लीटर इनके अंदर पानी आ जाता है। तो आपका 12 से 15 लोड एक बार आप इसकी टंकियाँ फुल करो तो 12 से 15 लोड आपके ईजीली आपके बिछा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और जैसे वो तो दोस्तों ऑपरेटर पे भी डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से चला रहा है, ज़्यादा पानी मार रहा है, नॉर्मल पानी मारो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों ये जो रोलर है, इसकी वाइब्रेशन की बात करें तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है ना दोस्तों, इसमें दो मोड रहते हैं, लो और हाई। तो लो जब ये दोस्तों लो जो गियर रहता है ना इनका, लो वाइब्रेशन बोलते हैं उसको, उसमें जब ये चलते हैं तो ये 42 Hz की जो इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है वाइब्रेशन की, और जब इसमें आप फुली वाइब्रेशन में चलाते हैं तो ये 50 Hz तक चला जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका अभी जैसे इसका वजन है 9.4 टन के आसपास इसका वजन है, और जब ये इसका वाइब्रेशन अपन फुल करते हैं तो 16 टन का वजन दे देता है दोस्तों ये वाइब्रेशन में। तो ये खास बात है इसकी। भाई सामने चल रहा है अपने रोलर, और देखिए रोलर का अब लेइंग चल रही है, लेइंग के बाद जब है ना आपका रोलिंग का जब टेम्परेचर 90 से 100 के आसपास आ जाता है, 90 से 100 डिग्री के आसपास, तब रोलर का काम स्टार्ट होता है तब। अब जब रोलिंग होगी आपके 8 से 10 पास मारेंगे, 4-5 पास आपके प्लेन के होंगे, 4-5 पास आपके वाइब्रेशन के रहेंगे, 2 लो के रहेंगे, 2 हाई के रहेंगे, कुछ आपके फिनिशिंग वाले पास रहेंगे। तो जब रोलर का काम ख़त्म हो जाता था ना दोस्तों, जब आपकी एकदम सरफेस लाइनिंग वाइनिंग पूरी ओके हो गई, उसके बाद दोस्तों अपना काम चालू होता है ये वाला PTR का काम। अब ये देखिए यहाँ पे हम PTR मार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये 90 से 100 के आसपास टेम्परेचर रहता है तब आप रोलिंग कर देते हैं, और जब रोलिंग होते होते जब इसका टेम्परेचर लगभग आ जाता है 60 से 70 के आसपास, तब हम इसके ऊपर PTR चलाते हैं, लाइम पाउडर मार देते हैं, लाइम पाउडर के ऊपर फिर हम PTR इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि रोलर में सिंगल ड्रम रहता है, एक ही रहता है, और PTR में 4 अलग अलग क्यों रहते हैं। तो उसका रीज़न दोस्तों ये है कि रोलर पूरे सरफेस पे एक जैसा रोलिंग करने के लिए रहता है, उसका काम रोलिंग करना है। जो PTR रहता है ना, वो आपके जो नॉर्मल टायर नहीं रहते हैं गाड़ियों वाले, सेम वही टायर रहते हैं, इसके अंदर भी ट्यूब रहता है, इसके अंदर भी पानी भरा जाता है, इसके अंदर भी हवा भरी जाती है। तो पूछ रहे थे कि इसमें अलग अलग टायर क्यों होते, तो इसके जो चारों टायर आप देख रहे हैं ना, इसके चारों टायरों में सेल्फ अलग अलग वजन है, ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर है। इसमें देखो ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ,
चारों टायर अपना इस मशीन का सेल्फ वेट लेते हैं, अलग अलग टायरों पर अलग अलग वजन जाता है कुछ इस तरह से। इसका मैकेनिज्म भी कुछ इस टाइप का है। तो इससे क्या होता था, जो सरफेस रहती ना, हर टायर अपनी रोलिंग करता अलग अपने वेट से। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, रोलर में क्या होता था दोस्तों, कभी जैसे अब रोलिंग कर रहे हैं रोलर से, तो उसमें कभी बीच में एक पत्थर वगैरह आ गया तो रोलर उसके ऊपर से चला जाएगा, तो बाकी सरफेस पर रोलिंग नहीं हो पाती है। और इसमें ऐसा नहीं है, ये अगर बीच में कहीं ऊँचा है तो वो टायर उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से ऊँचा हो जाएगा, बाकी का जो दूसरा टायर है वो नीचे ही रहेगा, तो रोलिंग प्रॉपर कर देता है दोस्तों, ये फ़र्क है उसमें। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, इसके जो इसके अंदर भी वाटर टैंक रहता है, इसमें भी पानी भरना पड़ता है हमको, इसमें भी लगभग 500 लीटर का टैंक है, और इसमें भी वो जितने भी टायर हैं, चार टायर, इसमें भी 8 नोज़ल लगे हुए हैं, 4 आगे 4 पीछे, वो भी बराबर कंटिन्यू इस पर स्प्रे करते रहते हैं, पानी को स्प्रे करते रहते हैं इनके टायरों के ऊपर। और इसके टायर बिल्कुल स्मूथ रहते, चिकने रहते एकदम। अगर दोस्तों इसके जिस पे पानी नहीं मारेंगे, मान लो एक भाई मेरे से पूछ रहे थे पानी क्यों मारते, पानी से डामर ख़राब तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ये लिमिटेड है, ये जो पानी मार रहे हैं एक लिमिटेड है, एक इस पानी से दोस्तों कुछ भी नहीं होता डामर को। पानी से दिक्कत तब होती है जब आपकी रोड के ऊपर पानी जमा हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है, आपका कैम्बर प्रॉपर नहीं है, आपका पानी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पानी रोड के ऊपर रुकेगा तो रोड ख़राब होती है दोस्तों डामर की, ऐसे ख़राब नहीं होती। अगर आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी आपका बाहर निकल रहा है, तो इसका कुछ भी नहीं होता। अभी दोस्तों बात करिए रोलर का, तो रोलर का काम है दोस्तों सरफेस को कॉम्पैक्शन करना, और इसका जो सरफेस है उस पर वाइब्रेशन से, दूसरी तरीके से आपका प्लेन पास मारना, वाइब्रेशन पास मारना, उनसे केवल रोलिंग करना, सरफेस को कॉम्पैक्ट करना रोलर का काम। और जो पीटीआर का काम है वो इसका अपोजिट है, पीटीआर का काम रोलिंग करना नहीं है, इसका काम है सरफेस को स्मूथ बनाना, चिकना बनाना सरफेस को, एकदम मस्त चमक आ जानी चाहिए, शाइनिंग आ जानी चाहिए सरफेस के अंदर जब भी चलता है, ये फर्क है। जैसे दोस्तों आपने कभी कंक्रीट अगर कराई है, कंक्रीट के बाद करने के बाद आप इसमें वाइब्रेटर नहीं मारते, जिससे उसकी एकदम सरफेस में हनीकॉम वगैरह सारे ख़त्म हो जाते, बस वही काम है दोस्तों हमारे डामर में पीटीआर का। इसको चलाने से जो छोटे मोटे जो हल्के हल्के जो एयर के वॉइड्स दिखते हैं वो सारे फिल हो जाते हैं, और ये सरफेस को एकदम चिकना कर देता है और स्मूथ हो जाता है। जब खड्डे वड्डे पूरे जो छोटे मोटे बारीक रहते हैं पूरे भर जाएंगे, सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है जब बारिश का पानी रहता है तो उसके अंदर नहीं आता, सारा ड्रेनेज सिस्टम से बाहर चला जाता है, ये है और कुछ भी नहीं। भाई एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो पीटीआर है, पीटीआर का भी दोस्तों वजन लगभग 9 टन के आसपास आता है ये भी, पर दोस्तों इसमें आप वेट बढ़ा सकते हो। वो कैसे, इसमें वो दिया जाता है, आपको जगह दी जाती है, उसके अंदर आप ना सेंड की बोरियाँ, कंक्रीट के क्यूब वगैरह वगैरह जो भी आप भरना चाहो, पत्थर भी रख सकते हैं, तो उससे आप वजन बढ़ा दे दोस्तों। जब इसका वजन ज़्यादा रहेगा ना जितना, उतना ही ये सरफेस को उतना ही चिकना और स्मूथ बनाता है, ये बात ध्यान रखिए। 9 टन के आसपास इसका वजन आता है, बाकी हम लोग 2 से 4 टन इसका और बढ़ा देते हैं, वो इसमें क्यूब जैसे कॉन्क्रीट के क्यूब नहीं निकलते, हम लोगों ने वो डाल रखे हैं इसके अंदर, जिससे कि जितना ज़्यादा वजन रहेगा इसके ऊपर उतना ही ज़्यादा ये अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी पीटीआर चल रहा है ना आपका, तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ये पीटीआर आपका एकदम सीधा जाना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारे दुर्गे उस्ताद चला रहे हैं पीटीआर, देखो सीधा लेके गए, नागिन जैसा नहीं चलाया, नागिन दूसरे दोस्त क्या होता है, नागिन डांस करा देते हैं, एकदम सीधा ही जाना चाहिए, फॉरवर्ड में और रिवर्स में भी सीधा ही आना चाहिए, इसमें आप घुमा नहीं सकते इसको, ये देखिए अभी सीधा ही आएगा, ये तरीका होता है पीटीआर ऑपरेटर के हाथ में हुनर, वो इसी चीज़ का पेमेंट लेता है दोस्तों, क्योंकि पीटीआर में करना तो कुछ भी नहीं, आगे पीछे ही करना है, हर कोई चला सकता है, पर ये जो रिवर्स में गया है, फॉरवर्ड में तो हर कोई चला देता पर रिवर्स में नहीं चला पाता कोई, तो ये इसी चीज़ के पैसे लेते हैं भाई, ये हुनर होता है दोस्तों, ये हर किसी के हाथ में नहीं आता, टाइम प्रैक्टिस करो, टाइम लगेगा फिर आपको भी चलाना सीख जाओगे। भाई ये हमारा वॉल्वो का पीटीआर, और मैं अब इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, इसमें 4 टायर होते हैं पीछे, आप देख रहे हैं ना ये पीछे टायर, और इसमें मैट लगे होते हैं दोस्तों, ये मैट लगे हैं ना, और पानी का दोस्तों इसमें कंटिन्यू नोजल स्प्रे होते रहते हैं दोस्तों। अभी मैं इसको रोक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको रोक देते हैं दोस्तों तो इसमें चिपक जाता है, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, जहाँ ठंडा सरफेस हो गया वहीं इसको खड़ा कर सकते हैं, गर्म सरफेस को खड़ा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसमें कंटिन्यू ये नोजल स्प्रे होते रहते हैं, सामने देख रहे हैं आप, 4 टायर होते हैं इसके पीछे और 4 होते हैं ये आगे, पर दोस्तों इनका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है, एक दूसरे को कवर करके चलते टायर,
ये देखिए, ये आप दिख रहे हैं ना, पूरा पूरा सर पे एकदम कवर करके चलते हैं। और दोस्तों इसमें मैट भी लगे रहते हैं, वो कि जैसे छोटा मोटा कहीं पे जैसे उखड़ के इसके टायरों पे चिपक रहा है तो इस मैट से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो टायर होते हैं रेडियल टायर हैं, 11 00 20 का इसमें साइज़ है, और ये ट्यूबलेस भी होते हैं, कभी कभी ट्यूब भी डाल देते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, इन टायरों में से अगर एक भी टायर कभी ब्लास्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो आगे के चारों टायर चेंज करने पड़ते हैं, नहीं तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। दोस्तों PTR चलाने का एक फ़ायदा और बताता हूँ, जो सरफेस पे छोटे मोटे अंडुलेशन आ जाते हैं रोलिंग से, वो भी पूरे ख़त्म हो जाते हैं, लाइनिंग वाइनिंग अंडुलेशन पूरे ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, धन्यवाद।